नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। राहुल गांधी का एक बयान जो संसद में दिया गया, उसको कांट छाट कर बीजेपी हिंदू पर ला रही है और कह रही है कि राहुल गांधी ने गलत बयानबाजी की है, इसलिए राहुल गांधी माफी मांगे। उसी को लेकर एनडीए सहयोगी चिराग पासवान ने राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की, लेकिन खुद चिराग पासवान फंस गए। देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा में राहुल गांधी ने बीजेपी के हिंदू और सनातन हिंदू की बात की है, जिसको लेकर एनडीए काफी परेशान है और राहुल गांधी को घेरने की कोशिश कर रही है लेकिन घेर नहीं पा रही है। लेकिन उसी के चक्कर में सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने हिंदू शब्द पर आपत्ति जताई और राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की और कहा कि राहुल गांधी की कुछ बातें तथ्यों पर आधारित नहीं है। चिराग पासवान ने कहा कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के लिए गलत भाषा का इस्तेमाल किया, उन्होंने लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया। राहुल गांधी ने भगवान महादेव की तस्वीर को कागजों के नीचे रख दिया या बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। चिराग पासवान ने कहा कि कांग्रेस की यही सोच है, जिस तरह डीएमके सनातन को बीमारी मानती है उसी तरह कांग्रेस भी इसी सोच से प्रभावित है। लेकिन चिराग के बाद सोशल मीडिया पर चिराग के पिता रामविलास पासवान का एक संसद में दिया गया वीडियो वायरल हो रहा है। अब हिंदू धर्म मैं बार बार क्या कहता हूँ कि मैं एक बात को सुन रहा हूँ, हिंदू धर्म मैं उस डिबेट में भी नहीं जाना चाहता हूँ। हमारे यहाँ बहुत से पढ़े लिखे साथी हैं और मैं समझता हूँ संस्कृत और वेद को उधर पढ़ने वाले लोग ज्यादा हैं बनिस्पत हमसे, लेकिन हमने तो कहीं एक भी वेद में कहीं जाकर के हिंदू शब्द नहीं देखा है। हमने दो रामायण लिखे गए, एक रामायण लिखा गया था वाल्मीकि जी का रामायण और दूसरा रामायण लिखा गया था तुलसीदास जी का रामायण। इन दोनों रामायण में से कोई आदमी एक जगह भी हिंदू शब्द का हमको इस्तेमाल बतला दे तो मैं क्या कहता हूँ, जो भी दंड कहे हम भुगतने को तैयार हैं। उपनिषद में कहीं बतला दीजिए, गीता में कहीं बतला दीजिए, महाभारत में कहीं शब्द बतला दीजिए। तो सुन लिया आपने कैसे चिराग खुद अपने ही बयान में फंस गए और अब जवाब देते नहीं बन रहा है। अब हम राहुल गांधी का बयान सुनवाते हैं जो उन्होंने संसद में दिया। मोदी जी ने अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमण नहीं किया, उसका कारण है क्योंकि ये देश अहिंसा का देश है, ये देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. Yes, inside the Speaker's office. हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। तो सुन लिया आपने क्या राहुल गांधी ने कहा और बीजेपी क्या कह रही है और कैसे चिराग पासवान फंस गए हैं। अब हम बताते हैं कि आखिर जो रामविलास पासवान का वीडियो वायरल हो रहा है वो कहां है और रामविलास क्या कह रहे हैं। जी हां, चिराग पासवान के दिवंगत पिता और दलितों के बड़े नेता रामविलास पासवान की जो वीडियो वायरल हो रही है वो दरअसल 10 दिसंबर 1998 की है, जब उन्होंने लोकसभा में एक बयान दिया था और कहा था कि किसी भी धर्म को विवाद में नहीं घसीटना चाहिए। उन्होंने हिंदू धर्म को लेकर भी यह कहा था
कि वेदों में कहीं भी हिंदू शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। संसद में रामविलास पासवान ने कहा था कि वे लगातार हिंदू धर्म सुन रहे हैं, लेकिन वे इस बहस में नहीं पढ़ना चाहते। उन्होंने कहा कि सदन में बहुत से पढ़े लिखे लोग हैं, खासकर संस्कृत और वेदों के जानकार। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि अगर कोई वेदों, गीता या महाभारत में हिंदू शब्द लिखा दिखा दे तो वे सजा भुगतने को तैयार हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे चिराग पासवान अपने ही बयान पर फंस गए हैं और कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे वो क्या जवाब देते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने भौकाल टाइट कर दिया है और बीजेपी बैकफुट पर है। अब आप ये आप बात समझिए, आप बात समझिए, ये इसलिए चिल्ला रहे हैं दिल में लगा है, दिल में जाके तीर लगा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। देखो चुप हो गए, देखिए स्पीकर सर चुप हो गए सब। एक मिनट, माननीय आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, किसी की भावनाओं को टेस्ट नहीं पहुंचे सर, मुझे बोलने में ध्यान रखना चाहिए। ये विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। भूपेंद्र यादव जी ये ठेका नहीं है बीजेपी का। भूपेंद्र यादव जी बोलना चाहते हैं आप? ये सब हिंदू हैं यहाँ पे, ये सब हिंदू हैं। माननीय